नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया जिले में 4 जून दिन शनिवार को रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां स्थानीय महाराणा प्रताप चौक पर रॉयल राजपूत संगठन छत्री समाज के सभी लोगों ने महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति पर फूलमालाओं के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के जयंती अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर स्थानीय सामुदायिक भवन पहुंची, जहां महाराणा प्रताप सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान अतिथियों की मौजूदगी में उद्बोधन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा का जन्म 1540 ईस्वी में जेठ मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हुआ था, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोग शामिल होकर के और खलेसर नाका से होते हुए और शहर के विभिन्न शहरों में घूमते हुए और इस कार्यक्रम को रोचक ढंग से मनाया गया और शामिल हुए सभी जितने शक्ति हैं जिले के दूर दराज से आए हुए सभी लोग इसमें शामिल हुए। प्रताप की जयंती पर देशवासियों को सबको महाराणा प्रताप जयंती में बांधवगढ़ के उमरिया जिले के सभी शक्तिगण उपस्थित हुए। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों ने बड़े जोश के साथ इस महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। महाराणा प्रताप के बारे में यदि जो भी लोगों की भावनाएं जो आदर है वो आपको आज इस जुलूस से आपको यहाँ पर एक चल समारोह से आपको पता लग गया होगा कि आज महाराणा प्रताप के प्रति कितना आदर है, कितना सम्मान है और कितने सम्मान के साथ और अपने आप को आज गौरवान्वित देखिए हमारा क्षत्रिय समाज। और आज क्षत्रिय समाज का एक मिलन का कार्यक्रम भी हुआ और उनकी शौर्य गाथा महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के साथ साथ सभी लोगों ने मिलजुल कर आज यह कार्यक्रम को सफल बनाया। आज जयंती के अवसर में सबसे पहले मैं महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ और यहाँ पर हमारे सभी बुजुर्ग और राजपूत भाइयों का करता हूँ और इस संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस प्रयास को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो गांव गांव जाके इस बार जो मुहिम चलाई है और सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास किया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज 4 जून को महाप्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि आज राजपूत संगठन के बैनर के तले हुआ, जिसमें सभी देशवासियों को सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं वंदन और उनको मैं प्रणाम करता हूं। अपने क्षत्रिय बंधुओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को सफल बनाया और क्या कहते हैं कि तब चौक से प्रारंभ होकर गांधी चौक से होते हुए सारे नगर भ्रमण पूरे नगर को कवर करते हुए सामुदायिक भवन में समापन हुआ, जहां पर कि हमारे मुख्य अतिथि चंडियागढ़ी के कुंवर दिग्विजय सिंह पधारे हुए थे। साथ में हमारे आदरणीय लाल केदार सिंह जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जी और हमारे संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुलभ प्रताप सिंह जी मौजूद रहे, जिस कार्यक्रम में हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना योगदान दिया। महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर खलेसर नाका से महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा में माल्यार्पण कर पूरे क्षत्रिय समाज के लोग आज यहाँ क्षत्रिय बंधु सुजाति बंधु पूरे उमरिया नगर में भ्रमण किए। भ्रमण के पश्चात सामुदायिक भवन उमरिया में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया। उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन का महत्व समझाया हम क्षत्रिय बंधुओं को। बहुत अच्छा अच्छी बात है कि हमारे पूर्वजों में इतनी अच्छी एकता के साथ इतने अच्छे इतने कष्टों के कष्ट सहने के बाद भी घास की रोटी खाकर भी महाराणा प्रताप ने हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए मुगल शासकों से लड़े और कभी अपना स्वाभिमान नहीं गिराया।
मैं सभी उमरिया से दूर दराज आए हुए सभी क्षत्रियों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में आने का, माताओं बहनों का। और अंतिम में एक पंक्ति कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। जिनके तेज से बिजली चमके तूफा में जो पलते हैं, जिनके तेज से बिजली चमके तूफा में जो पलते हैं, मृत्यु जिसे खुद वंदन करती छत्री उसको कहते हैं, छत्री उसको कहते हैं। बोले महाराज का उमरिया जिले के सभी छत्री इकट्ठा हुए और इस राजपूत संगठन के माध्यम से सब एक दूसरे से मुलाकात की और एक दूसरे के बीच रहे। और आज मैं सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप सर के वीर योद्धा, महाराणा प्रताप सर के त्यागी, महाराणा प्रताप सर के आन बान शान वाला व्यक्ति संसार में ना हुआ है और न संसार में हुआ। आज हम उनके मार्गदर्शन, उनके बताए हुए मार्ग और उनके स्वाभिमान की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा क्षत्रिय समाज को हमारे काम सौंपा गया था और वह कार्य था कि हम क्षत्रिय बन के समाज की रक्षा करें, समाज के लोगों को हम सुरक्षा प्रदान करें, यह हमारा कर्तव्य था। और उस समाज को उस वर्ग ने बांटा जिस वर्ग ने कहा कि हम आपको शिक्षा देंगे, और शिक्षा के बाद क्षत्रिय को कहा कि आप जो है इस देश की सुरक्षा, इस समाज की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है। उन्होंने हमारी वीरता देखकर, हमारी आनमान देखकर, हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर स्वाभिमान, हमारे लोगों के प्रति आदर, लोगों का सम्मान देकर हमें एक कार्य सौंपा। और हमने इस क्षत्रिय समाज में बड़े बाखूबी के साथ अपने धर्म को निभाया। महाराणा प्रताप जयंती में राजपूत संगठन के द्वारा रैली आयोजित की जा रही है जो खिलेश्वर तिराहा से प्रारंभ होकर सामुदायिक भवन के समापन है। इसका शहर के मुख्य मार्गों से होकर